चक्रवर्ती तूफान दाना का पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पर दिखने लगा कुदरत का कहर। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा के भितरकनिका नेशनल पार्क और धामरापुर के पास लैंडफॉल का सिलसिला रात 2 बजे से 5 घंटे तक चलेगा। दाना तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के उत्तरी हिस्से से गुजरेगा। इसके चलते ओडिशा के 14 जिलों में 10 लाख लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। बंगाल में करीब 2.5 लाख लोग निकाले जा चुके हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने ओडिशा के सीएम से बात की है। भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट पर 25 अक्टूबर सुबह 9 बजे तक 300 फ्लाइट्स रद्द रहेंगी। 552 ट्रेनों की रफ्तार भी रुकी हुई है। चक्रवर्ती तूफान की वजह से मेघालय, आसाम और कर्नाटक समेत 10 राज्यों में बारिश होने लगी है। बात की जाए ओडिशा की तो यहाँ पर एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और अग्निशमन विभाग की 288 टीमें तैनात की गई हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना की गाड़ी को निशाना बनाकर हमला, हमले में 2 जवान शहीद, 2 पोर्टर भी मारे गए। जानकारी के मुताबिक सेना की गाड़ी को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो एलओसी के पास बोट पाथर इलाके में नागिन पो से गुजर रही थी। आतंकवादियों ने गाड़ी को घेर कर फायरिंग की। सूत्रों के मुताबिक घुसपैठ की कोशिश के दौरान आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग लाइन में जवानों के साथ सिविलियन पोर्टर भी आ गए। इस बीच सेना और आतंकवादियों के बीच बारामूला में एनकाउंटर की खबर भी आई। इससे पहले जम्मू कश्मीर के त्राल में मिलिटेंटों ने एक बार फिर गैर कश्मीरी को निशाना बनाया, एक मजदूर को गोली मार दी। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर महायुति के नेताओं की दिल्ली में अमित शाह के साथ बैठक। शाह के निर्देश, बागियों को टिकट ना दे सहयोगी दल। दिल्ली में अमित शाह, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच सीट शेयरिंग चुनावी रणनीति को लेकर करीब 4 घंटे मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक बैठक में बीजेपी ने नवाब मलिक की उम्मीदवारी का विरोध किया। कई मामलों में जेल जाने के कारण नवाब मलिक की उम्मीदवारी खारिज कर दी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने बागियों को लेकर सहयोगी दलों को सतर्क किया। शाह ने कहा कि पार्टी बागियों को टिकट नहीं देगी। शाह ने महायुति में शामिल सभी दलों को मिलकर चुनाव लड़ने का निर्देश दिया। पीएम मोदी 5 नवंबर से 14 नवंबर तक महाराष्ट्र में प्रचार करेंगे। पीएम बीजेपी के लिए ही नहीं, महायुति के दलों के उम्मीदवारों के लिए भी सभाएं करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। पहली लिस्ट में 48 उम्मीदवारों के नाम। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण को कराड साउथ से मैदान में उतारा है। अमरावती से सुनील देशमुख चुनाव लड़ेंगे। लातूर ग्रामीण से धीरज देशमुख और लातूर सिटी से अमित देशमुख को टिकट मिला है। साकोली से नाना पटोले, नागपुर नॉर्थ से नितिन राउत, ब्रह्मपुरी से विजय वेडेट्टीवार, संगमनेर से बाला साहब थुराट को टिकट दिया गया है। सीट शेयरिंग में कांग्रेस को फिलहाल 85 सीटें मिली हैं। महाराष्ट्र के बारामती विधानसभा सीट पर पवार वर्सेस पवार, चाचा अजीत पवार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे भतीजे योगेंद्र पवार। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की तो नजर बारामती सीट पर अटक गई। बारामती से शरद गुट ने योगेंद्र पवार को टिकट दिया है। इस सीट से योगेंद्र के चाचा और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार चुनावी मैदान में हैं। अजीत पवार के बड़े भाई श्रीनिवास पवार के बेटे योगेंद्र पवार एनसीपी में विभाजन के बाद शरद पवार के साथ बने हुए हैं। लोकसभा चुनाव में बारामती सीट पर सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार के बीच टक्कर हुई थी। अब विधानसभा चुनाव में फिर पवार परिवार आमने सामने है। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। करहल में भाजपा ने यादव कार्ड खेला है। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 8 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए। बीजेपी ने कटेहरी से धर्मराज निषाद, कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलेर, फूलपुर से दीपक पटेल, मझवा से सुचिस्मिता मौर्य, सीसा मऊ से सुरेश अवस्थी और करहल से अनुजेश यादव को टिकट दिया है। अनुजेश यादव आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई है। करहल यादव बाहुल्य सीट है। यहाँ अखिलेश यादव ने अपने भतीजे और पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया है। गठबंधन में बीजेपी ने मीरापुर सीट आरएलडी को दिया है और आरएलडी ने मीरापुर से मिथिलेश पाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। यूपी में कांग्रेस के उपचुनाव नहीं लड़ने के ऐलान पर बीजेपी का तंज, का ठग ने मां ठग को ही ठग लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यूपी बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तंज कसा।
एक दिन पहले ही कांग्रेस ने यूपी में उपचुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। अखिलेश यादव ने यही बात अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट की थी। सूत्रों के मुताबिक मन मुताबिक सीटें नहीं मिलने के कारण कांग्रेस उपचुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस नेतृत्व ने यह निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में आश्वस्त करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हमें शिकस्त देनी है, एक भी सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। कांग्रेस की नज़र 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर है, इसलिए कांग्रेस नेतृत्व ने अपने नेताओं को बयानबाजी करने से भी मना किया है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के लिए प्रचार करेंगे केजरीवाल, कांग्रेस से बनी रहेगी दूरी। केजरीवाल कांग्रेस को छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियों के लिए प्रचार करेंगे। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल झारखंड में जेएमएम, महाराष्ट्र में उद्धव गुट वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी के लिए प्रचार करेंगे। सूत्रों के मुताबिक उद्धव गुट और शरद पवार की तरफ से प्रचार के लिए केजरीवाल से संपर्क किया गया था। हमारे घटक दल जो है इंडिया गठबंधन के, वो आमंत्रित करेंगे तो केजरीवाल साहब जरूर प्रचार करने के लिए जाएंगे। केजरीवाल उन सीटों पर प्रचार करेंगे जहां आम आदमी पार्टी का संगठन मजबूत है और उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि विवादित नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होने और दिल्ली के समीकरण को देखते हुए केजरीवाल कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं करेंगे। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान का आरोप। दरअसल बीजेपी नेताओं ने प्रियंका गांधी के नामांकन में खड़गे की अनदेखी का लगाया था आरोप। इस वीडियो के जरिए बीजेपी नेताओं ने प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अनदेखी का आरोप लगाया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि खड़गे दलित हैं, इसलिए उन्हें कमरे के बाहर खड़ा कर दिया गया। इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नियम के मुताबिक कमरे में चार लोग ही रह सकते हैं। खड़गे जब पहुंचे तो चार लोग मौजूद थे। ये बात रावत बाड्रा और रेहान को बताई गई। रावत और रेहान फौरन बाहर निकले, फिर खड़गे कमरे में आए। प्रियंका ने नामांकन के बाद खड़गे का आशीर्वाद भी लिया। भाजपा बार बार जो खड़गे जी का अपमान करती है, शायद इसलिए करती है क्योंकि खड़गे जी दलित समुदाय से आते हैं, उस समुदाय से आते हैं जिनसे भाजपा नफरत करती है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कुछ पलों की तस्वीर के बहाने भारतीय जनता पार्टी खड़गे के अपमान का झूठ फैला रही है। संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में हुआ हंगामा। एनडीए सांसदों ने कमेटी के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल की लोकसभा स्पीकर से की शिकायत। पीएसी की बैठक में सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच को पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुई। इसके बाद पीएसी चेयरमैन केसी वेणुगोपाल ने बैठक को स्थगित कर दिया और बाहर निकल गए। इस पर कमेटी में शामिल एनडीए के सांसदों ने सवाल उठाए। एनडीए सांसदों का कहना था कि पीएसी अध्यक्ष स्वतः संज्ञान लेकर किसी समिति के अध्यक्ष को नहीं बुला सकते हैं। पीएसी अध्यक्ष को सदस्यों की राय से एजेंडा तय करना चाहिए। पीएसी की बैठक में अपनाई गई प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति है। एनडीए सांसदों का आरोप है कि वेणुगोपाल ने पीएसी की बैठक के बारे में मीडिया में बयान देकर नियमों का उल्लंघन किया है। हम पार्लियामेंट्री कमिटीज की प्रोसीडिंग की चर्चा बाहर नहीं करते। चेयरमैन मिस्टर वेणुगोपाल ऑफ द पीएसी ने बाहर आकर बाइट भी दे दिया और सारी बातें कह दी। एनडीए सांसदों का कहना है कि जब नियामक निकायों की कार्यप्रणाली की जांच के लिए अलग अलग कमेटियां गठित हैं, तो फिर पीएसी की बैठक में सेबी चीफ को क्यों तलब किया गया। जस्टिस संजीव खन्ना होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके नाम पर लगाई मोहर। जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में अपने अब तक के कार्यकाल में कई बड़े फैसले दिए। उन्होंने दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी। मनीष सिसोदिया को बेल देते वक्त ये कहा कि पीएमएलए कानून के सख्त प्रावधान किसी को बिना मुकदमा लंबे समय तक जेल में बांधे रखने के आधार नहीं हो सकते। उन्होंने वीवीपैट और ईवीएम के 100% मिलान की मांग ठुकराई। वो इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देने वाली बेंच के सदस्य रहे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर को पद की शपथ लेंगे। बतौर चीफ जस्टिस उनका कार्यकाल 6 महीने का होगा। भोपाल में एक लेडी मैनेजर का शव मिलने से सनसनी अपने फ्लैट में मृत पाई गई लड़की। नेहा नाम की इस लड़की का शव भोपाल के अवधपुरी इलाके में किराए के फ्लैट में मिला। पुलिस के मुताबिक ये लड़की एक निजी इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर थी। वो करीब 6-7 महीने से यहाँ फ्लैट में किराएदार थी। शुरुआती जांच में मौत की वजह का पता नहीं चल पाया है। 22 अक्टूबर को नेहा की माँ से लगातार फोन कर रही थी, लेकिन नेहा का फोन नहीं उठा, जिसके बाद मकान मालिक की सूचना पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने फ्लैट के अंदर दरवाजा तोड़ा, जहाँ नेहा का शव उसके फ्लैट में मिला।
सरकार की सख्ती के बाद भी नहीं थम रहे हवाई जहाजों को बम से उड़ाने की धमकी के मामले। आज करीब 90 फ्लाइट्स को फिर इसी तरह की धमकी मिली। जिन विमान कंपनियों को धमकी दी गई उनमें एयर इंडिया, इंडिगो, विस्तारा और अकासा एयरलाइंस शामिल हैं। इस दौरान गोवा के दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर रखा गया। पिछले 11 दिनों में भारतीय एयरलाइंस कंपनियों को 250 से ज्यादा ऐसी हॉक्स कॉल मिल चुकी हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि ये आर्थिक आतंकवाद यानी फाइनेंशियल टेररिज्म है, जिसके जरिए भारत की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की साजिश हो रही है। 9 दिनों में विमान कंपनियों को करीब 600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि ऐसी धमकियों के बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है तो कई बार उड़ाने रद्द तक हो जाती है। यूपी सरकार ने एटीएस को सौंपी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच। फरमान जारी होने के बाद मदरसा संचालकों में हड़कंप। यूपी में मदरसे फिर से सरकार की जांच के केंद्र में आ गए। योगी सरकार ने करीब 4000 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच एटीएस के हवाले कर दी है। एटीएस इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग की जाँच करेगी। गृह विभाग की तरफ से एक निर्देश आया था, उसी निर्देश के क्रम में ये काम हो रहा है। ये सत्यापन है, इसको जांच कहना सही नहीं होगा सर। यूपी के बहराइच में ऐसे 492 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की कुंडली खंगाली जाएगी। इस नई जांच में इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को अपनी आमदनी और खर्च का पूरा ब्यौरा देना होगा। प्रदूषण कंट्रोल के लिए एक्शन में दिल्ली सरकार। सरकारी दफ्तरों के टाइमिंग में हो सकता है बदलाव। उपराज्यपाल की तरफ से बुलाई गई दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक करीब 2 घंटे चली। बैठक में बढ़ते एयर पोल्यूशन पर लगाम लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के दफ्तरों की टाइमिंग बदलने, दिल्ली में बाहर से आने वाली डीजल गाड़ियों को डाइवर्ट करने, बाहर से आने वाली डीजल बसों पर एक्शन, इमरजेंसी में आर्टिफिशियल रेन कराने पर चर्चा हुई। बैठक में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को डिप्लॉय करने पर भी चर्चा हुई। ये डिस्कस हुआ है कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को जो है वो जगह जगह पर जो है वो तैनात किया जाए। दिल्ली में फिलहाल ग्रैब का दूसरा चरण लागू है, लेकिन सरकार को अंदेशा है कि दिवाली से पहले या दिवाली के बाद हवा की गुणवत्ता और खराब हो सकती है। यमुना की सफाई पर फिर छिड़ गई है सियासी लड़ाई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने लगाई डुबकी, साधा केजरीवाल के ऊपर निशाना। मैली यमुना और उसमें डुबकी मारते दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। छठ का त्योहार नजदीक आते ही बीजेपी ने यमुना की सफाई का मुद्दा फिर से गरमाना शुरू कर दिया है। पिछले 7 वर्षों में केंद्र सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए माँ यमुना की सफाई के लिए दिल्ली सरकार को दिए। तो आज हम यहाँ पर खड़े होकर दिल्ली की जनता के साथ ये पूछना चाहते हैं कि 8,500 रुपए का हिसाब दे दो। दिल्ली बीजेपी ने यही नहीं किया, यमुना घाट पर रेड कार्पेट बिछाया, केजरीवाल और सीएम आतिशी के लिए 2 सिंहासन रखे। दोनों को बीजेपी ने यमुना घाट पर आने का न्योता दिया था। देश की राजधानी दिल्ली में अगले 2-3 महीनों में चुनाव होने हैं, लिहाजा बीजेपी भी लगातार अपना एजेंडा सेट कर रही है। छठ और दिवाली को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। यात्रियों की सुविधा के लिए 7,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने की बात कही। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कैबिनेट की मीटिंग की ब्रीफिंग दे रहे थे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए सरकार के स्पेस और दूसरे सेक्टर से जुड़े फैसले बता रहे थे। इसी दौरान उन्होंने पूर्वांचल और बिहार के यात्रियों के लिए नया अनाउंसमेंट किया। 7,000 ट्रेन रन की जा रही है छठ और दीपावली के लिए स्पेशल ट्रेन। 2,00,000 लोग एक्स्ट्रा डेली ट्रेवल कर पाए। वैष्णव ने यह भी कहा कि उत्तर बिहार के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और पूर्वोत्तर राज्यों को कनेक्ट करने के लिए 4,553 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। दुनिया में भारत का 4th सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यहाँ रोजाना 13,000 यात्री ट्रेनें और 8,000 मालगाड़ी चलती है। उत्तराखंड हिमालय में बजी खतरे की घंटी। लगभग 0.5 किलोमीटर तक पिघला पिंडारी ग्लेशियर। कुदरत के साथ हुई छेड़छाड़ के साइड इफेक्ट हिमालय पर दिखने लगे हैं। देश के नामी संस्थान वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों के मुताबिक देश के पूरे हिमालय इलाके में लगभग 10,000 ग्लेशियर पिघल रहे हैं। उत्तराखंड हिमालय में ऐसे 900 ग्लेशियर हैं जो लगातार पिघल रहे हैं। पिंडारी ग्लेशियर तो पिघल कर 0.5 किलोमीटर पीछे चला गया। 1966 से 1958 से और 2010 तक ये ग्लेशियर जो है लगभग जो है आपका 3 किलोमीटर के लगभग जो है पिघल गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन ग्लेशियर का पिघलना आने वाले वक्त में खतरनाक हो सकता है। ब्रिक्स समिट में भारत और रूस ने यूएन को दिखाया आईना। भारत ने यूएन की स्थायी सदस्यता की मांग की,
तो रूस ने कहा कि यूएन के ढांचे में बदलाव। पीएम मोदी के वतन लौटने के बाद अब बारी विदेश मंत्री एस जयशंकर की थी। ब्रिक्स समिट में जयशंकर ने रूस यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बात की। वैश्विक विवादों को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। इसके बाद यूएन पर आए। हाउ डू वी क्रिएट अ मोर इक्विटेबल ग्लोबल ऑर्डर बाय रिफॉर्मिंग एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस एंड मैकेनिज्म्स Especially the UN Security Council. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 देश अस्थायी सदस्य के तौर पर। अमेरिका और रूस लगातार भारत के स्थायी सदस्य बनाने की मांग का समर्थन करते आए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी पर नया खतरा मंडराने लगा है। उन्हीं की पार्टी के सांसदों ने उन्हें पद छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बंद कमरे की मीटिंग में 24 से ज्यादा सांसदों ने लिखित में कहा कि ट्रूडो की वजह से पार्टी की छवि को नुकसान हो रहा है और उनकी गिरती अप्रूवल रेटिंग के चलते अगले साल चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कहा गया कि 28 अक्टूबर तक कुछ सांसदों ने इस्तीफा तक मांग लिया। शायद इसी की खुन्नस ट्रूडो ने नए फैसले के जरिए निकाली, जिसमें कहा गया कि अब कनाडा में विदेशी कर्मचारियों की संख्या कम की जाएगी। इसका सीधा असर वहां मौजूद भारतीयों पर पड़ेगा। कनाडा में पहले से ही परेशानी झेल रहे भारतीय अप्रवासियों और छात्रों के लिए ये फैसला मुश्किल बढ़ाने वाला है। रूस यूक्रेन वॉर पर अमेरिका का बड़ा खुलासा। व्हाइट हाउस ने कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ नॉर्थ कोरिया ने अपने सैनिक रूस भेज दिए हैं। जिस वक्त ब्रिक्स समिट में पुतिन डॉलर का कॉलर पकड़ने की तैयारी कर रहे थे, उसी दौरान अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के जवानों के मूवमेंट को ट्रैक करने का दावा किया। व्हाइट हाउस की तरफ से बाकायदा डिटेल्स जारी की गई कि अब रूस की जमीन पर नॉर्थ कोरिया के 3,000 जवान पहुंच चुके हैं और ये जवान आने वाले वक्त में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ सकते हैं। हमें पता चला है कि ये जवान नॉर्थ कोरिया के बोनसान इलाके से रूस के व्लादिवोस्टोक पहुंच चुके हैं। इन्हें रूस के मिलिट्री बेस पर ट्रेनिंग दी जा रही है। अमेरिका ने यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस शेयर की है और यूक्रेन को मल्टीपल वॉर फ्रंट के लिए आगाह कर दिया है। गजा में इजरायली सेना के आदेश के बाद हजारों की संख्या में लोगों का पलायन जारी है। बड़ी संख्या में लोग जबालिया कैंप छोड़ रहे हैं। पहले घर छूटा, फिर परिवार, और अब जिस राहत शिविर में ये लोग मौजूद थे उसे भी छोड़ने को कह दिया गया। टूटे फूटे शहर के बीच जिंदगी की नई राह पर हजारों लोग निकल चुके हैं। इजरायली सेना ने गजा के जबालिया कैंप की ड्रोन तस्वीरें जारी की, जिसमें बताया गया कि 2 हफ्ते में 60,000 से ज्यादा लोग उत्तरी गजा से निकलकर मुख्य शहर का रुख कर रहे हैं। इनमें महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। इधर इसराइल बेरूत को भी गजा बनाने पर तुला हुआ है। साउथ बेरूत में जोरदार हमला किया गया। फिलिस्तीन का कहना है कि इसराइल लोगों को भूखा मारने में लगा हुआ है। जबालिया कैंप में 770 लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका की सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी और भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मिलाया हाथ। दोनों कंपनी भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। इसका ऐलान मुंबई में हुआ। दरअसल एनवीडिया कंपनी के सीईओ जेनसन हुआंग और मुकेश अंबानी एनवीडिया एआई समिट इंडिया में शामिल हुए। इस दौरान एनवीडिया ने हिंदी एआई मॉडल लॉन्च किया और एआई की दुनिया में साझेदारी पर मुहर लगाई। पिछले साल सितंबर में दोनों ने भारत में एआई सुपर कंप्यूटर डेवलप करने की बात कही थी। इस इवेंट में बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार भी शामिल हुए। बातचीत के दौरान मुकेश अंबानी ने एनवीडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की। उन्होंने कहा, इसका गहरा अर्थ है, विद्या मतलब ज्ञान सुनाई देता है। गोधरा कांड पर आधारित फिल्म साबरमती रिपोर्ट का पोस्टर जारी हो गया है और इस फिल्म का टीजर कल यानी शुक्रवार को रिलीज किया जाएगा। एक जलती हुई अखबार की कतरन और बैकग्राउंड में एक जोड़ी गुस्सैल आंखें। ये पोस्टर है गुजरात दंगों की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म साबरमती रिपोर्ट का, जो आज जारी किया गया है। कल यानी 25 अक्टूबर को इस फिल्म का टीजर लॉन्च होगा। फिल्म 15 नवंबर को रिलीज होगी। इस फिल्म में विक्रांत मैसी, राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म के डायरेक्टर हैं धीरज सन्ना, जबकि इसके प्रोड्यूसर हैं एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग की घटना 27 फरवरी 2002 को हुई थी, जिसमें 59 लोगों की जान गई थी, जो लोग अयोध्या से वापस लौट रहे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।